प्रशासन द्वारा नई मंगलवारी तालाब के सौंदर्यकरण के चलते किसी भी प्रकार की कोई दखल नहीं लिए जाने से बुधवार को आम आदमी पार्टी की ओर से प्रशासन के निषेध हेतु मुंडन आंदोलन किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीते कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी की ओर से मंगलवारी तालाब के सौंदर्यकरण के लिए साकरी अनशन किया जा रहा है। ऐसे बीच बुधवार को इस अनशन का 17वां दिन था। हालांकि अभी भी प्रशासन की ओर से इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई दखल नहीं दी गई है, जिससे आक्रोशित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुंडन कर सरकार के प्रति अपना निषेध व्यक्त किया। पार्टी की ओर से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 5 स्थानीय नागरिक अनशन करते हैं और प्रतिदिन शाम 5 बजे सहायक आयुक्त सतरंजीपुरा जोन को बयान दिया जाता है, लेकिन प्रशासन अब तक इस बारे में नहीं जागा, जिसके चलते बुधवार को आम आदमी पार्टी की ओर से मुंडन आंदोलन किया गया। इस दौरान लीना सुनील कस्बे, रोशन टोंगरी, नरेश महाजन, भूषण देशमुख, सेवक बारा पात्री और शेखर मुंडरीकर ने मुंडन किया। इस संदर्भ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अधिक जानकारी साझा की। अपन बघता की हा नवी मंगलवारी तलावाच्या सौंदर्यीकरणाबाबत आम आदमी पक्षाच्या वतीने इथे साखळी उपोषण सुरू आहे। या उपोषणाचा 17वा दिवस आहे। आम्ही 23 तारखेला माननीय पालकमंत्र्यांना निवेदन दिलं, त्यांना सांगितलं की आम्ही 25 तारखेला इथे मुंडन आंदोलन करू, परंतु अजूनही प्रशासनाने किंवा पदाधिकाऱ्याने इथे दखल घेतली नाही आणि आज आम्ही या प्रशासनाचा निषेध म्हणून इथे एक महिला श्रीमती लीना सुनील गजबिये, नंतर दुसरे आमचे उत्तर नागपूरचे आम आदमी पार्टीचे संयोजक श्री रोशन डोंगरे, तिसरे उत्तर नागपूरचे संपर्क मंत्री श्री नरेश महाजन, चौथे श्री येथील स्थानिक नागरिक गणेश गुन्नाडे आणि सेवक बारा पात्रे, अशा 5 लोकांनी इथे मुंडन करून या शासन प्रशासनाचा निषेध केला आणि निषेध करून यापुढे जर आम्हाला लेखित आश्वासन मिळालं नाही किंवा आमच्याकडे जर प्रशासनाने दुर्लक्ष केलं तर मात्र यापुढे आम्ही उग्र आंदोलन करू, एवढा इशारा या प्रशासनाला देण्यात येत आहे। इस दौरान पार्टी की ओर से कहा गया कि एक ओर जहां नागपुर शहर को मेट्रो सिटी बनाने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर नागपुर की इस ऐतिहासिक तालाब को प्रशासन की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।